विधानसभा क्षेत्र नाहन के कांग्रेस के विधायक अजय सोलंकी ने बीजेपी के नगर परिषद नाहन को आड़े हाथों लिया है और विकास कार्यो में लेट लतीफी के आरोप लगाए हैं। विधायक का कहना है कि लाखों रुपया नाहन शहर के विकास कार्य को विधायक प्राथमिकता और अन्य फंड से दिया गया है, लेकिन नगर परिषद विकास कार्यों पर इस पैसे को खर्च करने में नाकाम साबित हुई है, जिसके चलते सरकारी पैसे का जनता को लाभ नहीं मिल रहा है। कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने बताया कि शहर के विकास कार्यों को लेकर नगर परिषद को अभी तक विधायक निधि और अन्य फंड से 40 से 50 लाख रुपए दिया जा चुका है, लेकिन विडंबना है कि अभी तक नगर परिषद इन विकास कार्यों के टेंडर भी अवार्ड नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट समेत संपर्क मार्ग पक्के करने समेत अन्य कई विकास कार्यों पर खर्च किए जाने वाला बजट अभी तक नगर परिषद खर्च करने में नाकाम साबित हुआ, जिसके चलते सरकारी पैसे का जनता को लाभ नहीं मिल रहा। मामले को लेकर जल्द ही डीसी के साथ बैठक बुलाई जाएगी। अगर नगर परिषद ने विकास कार्य शुरू नहीं किए तो यूजर एजेंसी भी बदल कर विकास कार्यों को नए सिरे से चढ़ाया जाएगा ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके। विडंबना यह है कि एमसी के जो रोड्स हैं, एमसी के कई वर्क्स के लिए हमने लाखों रुपए एलोकेट कर दिया हुआ है, लेकिन एमसी के वर्क्स ये अभी तक शुरू नहीं हो पा रहे हैं, ये बड़ी विडंबना है। तो मैं भी प्रशासन से, डीसी साहब से बात करूंगा, या तो एमसी को निर्देश दें ताकि वो जल्दी जो बजट उनको एलोकेट हुआ है वो खर्चे जल्दी, नहीं तो या किसी और एजेंसी से काम करवाया जाए, अल्टीमेटली यही करना पड़ेगा। इसके नगर परिषद एक यूजर एजेंसी है और जो भी नगर परिषद के कार्य क्षेत्र के कार्य हैं वो उन्हीं के द्वारा एग्जीक्यूट होते हैं, और हम चाहते हैं कि इतना शहर में, चाहे सफाई का मामला है, चाहे शहर के और जो विकास छोटी छोटी गलियां हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, और बहुत से कार्यों के लिए मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैंने कम से कम 40-50 लाख रुपए विधायक निधि और दूसरे फंड से मैंने ये अभी 5-6 महीने में एलोकेट किया है 40-50 लाख रुपए एमसी को, और एमसी ने अभी तक उनके टेंडर भी नहीं किए। कई पैसे को तो 6-6 महीने हो गए उनके पास, अभी तक उनके टेंडर भी कॉल नहीं किए गए। तो ये एक लेट लतीफी जो है, जो पैसा सरकार का पैसा, सरकार ने पैसा दिया है आपको, एग्जीक्यूट अगर टाइम से नहीं करेंगे, लोगों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। आज जिस कार्य में 5 लाख रुपए लगते हैं, एक साल के बाद उसमें 7 लाख रुपए लगेंगे। तो होना ये चाहिए कि जब आपको पैसा आ गया है, उस पैसे को जल्दी से जल्दी खर्च करें ताकि लोगों को सुविधा मिले, और अगर ऐसा ही रवैया रहा तो हम चाहेंगे कि इसकी यूजर एजेंसी चेंज करनी पड़ेगी, हम किसी और विभाग से उसको एग्जीक्यूट कराएंगे, यही बोलना चाहूंगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो टेंडर्स हैं, टेंडर्स की फॉर्मेलिटीज तो हमें पूरी करनी पड़ेगी, तो ये टेंडर्स हमने ऑलरेडी फ्लोट कर दिए हैं जो 31 अक्टूबर को खुलेंगे, और इसमें किसी को कोई ना तो बीजेपी के किसी पार्षद को ऑब्जेक्शन है और ना किसी कांग्रेस के पार्षद को ऑब्जेक्शन है, लेकिन जो टेंडर फॉर्मेलिटीज है वो तो हमें पूरी करनी ही पड़ेगी, उसके बाद ही हम कोई भी काम अवार्ड कर सकते। इस मामले को लेकर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय तोमर ने बताया कि शहर में विकास कार्यों को शुरू करने के लिए जल्द ही टेंडर अवार्ड कर दिए जाएंगे। विधायक द्वारा दिया गया बजट जल्द ही शहर के विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा। पंजाब केसरी के लिए नाहन से दलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।